में उतर जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष उन्हें किस तरह से एक साथ रखता है, पार्टी के मैनिफेस्टो तले, पार्टी के मुद्दों के तले एक सुर में कैसे चलना है, ये प्रदेश अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन यहाँ प्रदेश अध्यक्ष वैसे थे नहीं जासमीन, ये बिल्कुल कड़वी सच्चाई है, लेकिन ऐसा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी थे, यही सच्चाई है। अशोक तंवर जब अपने मन मुताबिक काम कर रहे थे वो भी वहीं से आए थे, आलाकमान की तरफ से आए थे, लेकिन संगठन नहीं बनाया, बनने नहीं दिया गया, ये तो अपनी कांग्रेस की राजनीति है। सुदेश तो सहजा को बनाया गया, दलित चेहरा भी थी, महिला थी, संगठन वहां पर भी नहीं बना। अब उदय भान को लेकर आए थे संगठन, तो तब भी नहीं बना भाई आपका। संगठन कितना जरूरी होता है सुदेश, दो मोटे मोटे फैक्टर्स अगर यहाँ पर देखे जाए, दो मोटे फैक्टर्स की अगर यहाँ पर बात की जाए, संगठनात्मक तौर पर कांग्रेस का प्रदेश में कमजोर होना और कांग्रेस की गुटबाजी, ये दो ऐसे राइट लेफ्ट फैक्टर्स थे जो कांग्रेस को ले डूबे इस विधानसभा के चुनावों में। मुझे लगता है उससे ज्यादा बड़ा फैक्टर ये था कि बीजेपी के पास, बीजेपी ये साबित कर पाई कि वो किस तरीके से राजनीति करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है, विकास की राजनीति करती है, डबल इंजन की सरकार है, और जो किसानों का मुद्दा है इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, एमएसपी की मांग स्वीकार कर ली गई। अब पंजाब में जो मुद्दा जरूर था, शंभू बॉर्डर पर, खनौरी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, लेकिन उससे बहुत ज्यादा तकलीफ हरियाणा में किसी को नहीं थी। बिल्कुल सुदेश, और अगर कैंपेनिंग का भी जिक्र कर लिया जाए, कांग्रेस की कैंपेनिंग को लेकर राजनीतिक विश्लेषक बार बार इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कांग्रेस की तरफ से कोई भी स्टार प्रचारक उस तरह से हरियाणा प्रचार करने नहीं पहुंचा है, जिस एग्रेसिव तरीके से, जितने प्रचंड तरीके से बीजेपी ने प्रचार किया, इसका जिक्र आपने पहले भी किया। वजह है इसकी वजह, क्योंकि वही हम बात करें कि 2019 में, मैं पहले दिन से बोलूंगी, 2019 में कांग्रेस अंडर कॉन्फिडेंट थी, इस बार ओवर कॉन्फिडेंट थी और उसका नुकसान उठाना पड़ा। कांग्रेस को लगा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगा कि इस बार तो किसी की जरूरत है नहीं, वो अपने बूते ये नैया पार कर लेंगे इस बार। उधर बीजेपी को लगा कि एंटी इनकंबेंसी है, हमने तो चेहरा भी बदल दिया था, मेजर सर्जरी की गई थी, हमने गठबंधन तोड़ दिया और फिर निर्दलियों के साथ हमने सरकार बनाई, ओबीसी चेहरा ले आए नायब सिंह सैनी के रूप में, तो उनको डर था, तो उस तरीके से रणनीति बनाई गई, उसका फायदा मिला बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस को नुकसान हुआ, वो भाप नहीं पाए। नब्ज पकड़नी होती है जनता की, मुद्दों की, वो नब्ज कांग्रेस ने पकड़ी जरूर, लेकिन उस तरीके से ग्राउंड जीरो पर रहकर, जमीन पर रहकर वो काम नहीं कर पाए। आगे भी आपको आंकड़ों से चुनावी राजनीति समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार फिर से आपको बता दें कि बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ, फिर सुन लीजिए, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ हरियाणा में सरकार बना रही है। कांग्रेस के दावे हवाई साबित हुए, हवा नजर नहीं आई, हवा टाइट हो गई है कांग्रेस की यहां पर। फिलहाल रुकेंगे थोड़े से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे और कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे।